तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नो डाउट एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, मगर इस मूवी के डायरेक्टर यानी जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की आखिरी मूवी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन। तो क्या आपको पता है कि क्रिस प्रैट जो कि स्टार लॉर्ड का रोल प्ले करते हैं, उनको ये रोल पहले ऑफर नहीं किया गया था। हाँ, जेम्स गन और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नजर में तो वो थे, बट अल्टीमेटली उनको चूज नहीं किया गया था उनकी वेट की वजह से, क्योंकि इससे पहले क्रिस प्रैट ने डिलीवरी मैन के लिए अपना वेट गेन किया था, बट क्रिस प्रैट ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना वेट लूज किया और फिर क्या मिल गया जेम्स गन को, उनका परफेक्ट पीटर क्वेल। फैक्ट नंबर टू, तो क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में ड्रैक्स को बनाया ही गया था थैनोस को मारने के लिए, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पहले मूवी में उसका सोल पर्पस था कि उसको रोनन से बदला लेना है, क्योंकि रोनन ने उसके फैमिली को मारा था। तो ये सेम चीज कॉमिक्स में भी हुआ था, बस वहाँ रोनन की जगह थैनोस था। और कॉमिक्स में ड्रैक्स अपने मिशन में फेल नहीं होता है, ड्रैक्स थैनोस के छतिया में अपना हाथ डालकर उसका कलेजा बाहर निकाल देता है। फैक्ट नंबर थ्री, तो क्या आपको पता है कि गमोरा आखिरी सर्वाइवर है जैन हु बेरी रेस की, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुआ हो तो, मतलब कि यहाँ पर थैनोस की प्रिडिक्शन गलत हो गई थी। उसने सोचा था कि अगर वो इस प्लेनेट के आधे लोगों को मार देगा तो बाकी बचे आधे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मगर ऐसा नहीं होता, आखिर में सिर्फ बचती है गमोरा और उसको भी थैनोस सोल स्टोन लेने के लिए मार देता है। फैक्ट नंबर फोर, तो क्या आपको पता है कि कैरन गिलन जो कि नेब्यूला का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने एक्चुअली में अपना बाल छिलवा लिया था इस रोल के प्रिपरेशन के लिए, और उनके टीम ने उन्हीं के बाल का यूज करके उनके लिए एक विग बनाया था। फैक्ट नंबर फाइव, तो क्या आपको पता है कि डेव बदिष्ठा जो कि ड्रैक्स का रोल प्ले करते हैं, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में उनके ऊपर मेकअप चढ़ाने में पूरे 5 घंटे लगते थे, और क्रिस प्रैट के अकॉर्डिंग बदिष्ठा पूरे 5 घंटे तक खड़े रहते थे बिना किसी कंप्लेन के। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये ड्रैक्स की आखिरी मूवी होगी, क्योंकि बदिष्ठा ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि ये उनकी आखिरी मूवी है। फैक्ट नंबर सिक्स, तो ग्रूट जिसके वॉइस एक्टर है विन डीजल, तो उन्होंने एक लाइन आई एम ग्रूट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोला था ताकि मार्वल उनके रियल वॉइस को यूज कर सके डिफरेंट लैंग्वेजेस के डबिंग में। और एट द एंड ऑफ द डे विन डीजल ने कम से कम 1000 बार आई एम ग्रूट बोला था, और बोले भी क्यों ना भाई, क्योंकि उनको सिर्फ आई एम ग्रूट बोलने के 4.5 करोड़ रुपए जो मिल रहे थे। फैक्ट नंबर सेवन, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के स्टार्टिंग में जो ग्रूट का डांस सीक्वेंस है, उसको खुद मूवी के डायरेक्टर यानी जेम्स गन ने कोरियोग्राफ भी किया था और उसका मोशन कैप्चर भी उन्होंने ही दिया था, और इस पूरे डांस सीक्वेंस को रेंडर करने में विजुअल इफेक्ट टीम को पूरे 2 साल लग गए थे। फैक्ट नंबर 8, तो योंडू जो कि मूवी में रेवेजर्स का नेता है, और यही वो नीला आदमी था जिसने कि क्विल को अर्थ से ढांपा था, मगर क्या आपको पता है कि कॉमिक्स में योंडू 1 of the 4 फाउंडिंग मेंबर है द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। फैक्ट नंबर 9, तो हाई एवोल्यूशनरी वो बंदा था जिसने कि रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसको ऐसा बनाया, बट वो अकेला ऐसा जानवर नहीं है जिसके ऊपर हाई इवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट किया था। रॉकेट के और भी दोस्त है, जैसे कि इसका नाम है लाइला जो कि शायद रॉकेट की गर्लफ्रेंड होगी, इसका नाम है TEEFS, अब इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं ये तुम खुद ही समझ लो, और इसका नाम है फ्लोर। फैक्ट नंबर 10, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, एक तरीके से हिडन डिटेल्स हैं। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पहले मूवी में जब सारे गार्डियंस को जेल में डाल दिया जाता है तो उनके कपड़ों के ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, तो एक्चुअली ये स्ट्राइप्स ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कौन सा क्राइम किया है और वो क्राइम किस लेवल का है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के स्टार्टिंग में इस लड़की ने जो टी शर्ट पहना है वो सेम टी शर्ट है
जो कि पीटर ने अपने बचपन में पहना था। तो हाँ, ये था आप सब लोगों के लिए टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि क्या स्टॉर्म ब्रेकर सुपरमैन को हर्ट कर सकती है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा।